जो फॉर लूप हम पढ़ने लगे हैं आज, इसके लिए मैंने एक फोल्डर फॉर लूप के नाम से बना लिया, और इसमें हम बेसिक कोड एक लिख लेते हैं, H1 फॉर लूप, और हम स्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो स्क्रिप्ट का टैग ज़रूरी होता है उसके लिए, हमने वो बना लिया। और यहाँ पे मैं एक जो है ना फॉर लूप, अभी हम सीख रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, तो फिर उसके बाद हम, अच्छा मैंने लिखा फॉर, अच्छा इसमें तीन पार्ट होते हैं। मैंने कहा कि लेट आई इक्वल्स 0, आई जब तक छोटा रहे 10 से, और आई प्लस प्लस, ठीक है जी। ये हमारा एक फॉर लूप है, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कहा इस आई को जो है ना यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। अच्छा ये एक हमने बेसिक फॉर लूप यहाँ पे लिखा है। अच्छा लूप क्या होता है? लूप जो होता है ना वो किसी भी चीज़, जब कोई चीज़ बार बार एक ही काम हो रहा होता है ना, उसको हम लूप कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो म्यूज़िक प्लेयर्स वगैरह होते हैं, आप जब उसमें सॉन्ग कोई चलाते हैं तो उसमें सम टाइम आपने देखा होगा लिखा होता है लूप, उस पर आप अगर क्लिक कर दें तो वो एक ही सॉन्ग को बार बार रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो कोई भी काम अगर बार बार हो रहा होता है तो उसको हम लूप कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी हमें सम टाइम ज़रूरत पड़ती है कि हम एक ही काम को बार बार करवाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे मुझे एक से लेके 10 तक कोई नंबर प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, जो कि उसका कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोड जो है वो एक से लेके 10 तक स्क्रीन पर नंबर प्रिंट कर देगा। या फिर मुझे बार बार यूज़र से कोई इनपुट लेना है, ठीक है, टर्न बाई टर्न कोई इनपुट लेना है यूज़र से मैंने, या कोई भी काम मुझे रिपीटेटिव काम है अगर करवाना है तो वो मैं इस तरह करता हूँ। या मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास API से कोई डेटा आया है, या डेटाबेस से मेरे पास 200 स्टूडेंट्स का डेटा आया है, अब 200 स्टूडेंट्स में से मुझे तलाश करना है वो स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 38 है, ठीक है। 200 स्टूडेंट मौजूद हैं, रोल नंबर 38 किसी एक का है उनमें से, तो मैं क्या करूँगा, मैं लूप थ्रो करूँगा। मैं एक एक करके हर स्टूडेंट के डेटा पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके चेक करूँगा कि क्या इसका रोल नंबर 38 है, ठीक है। तो ये काम रिपीटेटिव काम है, तो इसके लिए मुझे लूप की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में। अच्छा लूप जो है, फॉर लूप, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में से है, बल्कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो तकरीबन तमाम चीज़ें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का मतलब ये होता है कि ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोर और लेस ये चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिंटेक्स का शायद फ़र्क होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी तरह के होते हैं। जैसे कि जैसा कि हमने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा है, जैसा कि हमने इफ़ एल्स पढ़ा है, ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, ठीक है। इसी तरह हमने मैथ ऑपरेटर्स पढ़े हैं, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ये सारे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं, ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरह से होते हैं। बहुत माइनर माइनर सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन तकरीबन इसी तरह होता है। इवन दो कि जैसे ये फॉर लूप का सिंटैक्स है ना जो यहाँ लिखा हुआ है, इस वक्त तकरीबन 4 से 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मैं जानता हूँ, जैसे C++, सी सी शार्प, जावा, उसमें इवन दो ये सिंटेक्स फॉर लूप का बिल्कुल इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि लूप क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, और ये आपके सामने एक हेलो वर्ल्ड बेसिक सा एक लूप लिखा हुआ है। इस फाइल को मैं चला के दिखा देता हूँ आपको कि ये चलिए इंस्पेक्ट एलिमेंट, कॉन्सोल पे मैं गया, तो अब देखिए कॉन्सोल पे यहाँ पे ना 0 से लेके, रिफ़्रेश किया मैंने, 0 से लेके 9 तक का यहाँ पे नंबर प्रिंट हो गया। और आप देखिए ये एक ही लाइन नंबर 17 है जो बार बार प्रिंट हो रही है, यानी कि ये वाली लाइन नंबर 17। अब होता क्या है इस पर, कैसे चलता है ये फॉर लूप, वो ज़रा हम गौर करते हैं इस पर। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर का कीवर्ड। फॉर का कीवर्ड देखते ही, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि भाई जैसे ह्यूमन लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं और वर्ड से मिल के सेंटेंसेस बनते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड्स से मिलकर स्टेटमेंट्स बनती हैं।
तो ये जो फॉर लूप का ये स्टेटमेंट है पूरा, ये शुरू होता है फॉर के कीवर्ड से। अच्छा, फॉर के कीवर्ड से शुरू होता है तो प्रोग्राम जो मेरा है वो समझ जाता है कि यहाँ पे लूप चलने वाला है कोई। अच्छा, उसके बाद फिर एक छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और एक छोटी ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अच्छा, इस छोटी ब्रैकेट के अंदर अगर हम गौर करें तो तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर दूसरा पार्ट, उसके बाद सेमी कॉलन, और फिर तीसरा पार्ट है। तो ये जो फॉर के अंदर जो ये ब्रैकेट है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है। जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं कंडीशन चेकिंग, राइट। ये कंडीशन चेकिंग हो रही है सेकंड वाले पार्ट में। और हमारे पास ये जो थर्ड वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का पार्ट, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा होता है। तो हमारे पास ये तीन पार्ट है। अच्छा, क्या होता है कि जैसे ही फॉर का कीवर्ड देखता है आपका जावास्क्रिप्ट, वो इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है उसको एक दफ़ा रन करता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जब एक दफ़ा रन होता है तो इसमें क्या हो जाता है, एक वेरिएबल बनता है लेट। जैसा कि हम जानते हैं, लेट वेरिएबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, आई इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, इसमें ना फॉर लूप के अंदर कन्वेंशन है कि वेरिएबल का नाम आई रखते हैं। आप वैसे कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन इसका नाम आई रखा जाता है। आमतौर पर डेवलपर्स का नाम आई रखते हैं। अच्छा, आई स्टैंड फॉर इंडेक्स। समटाइम आई रखते हैं, समटाइम पूरा इंडेक्स भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोई भी ए बी सी कुछ भी लिखें आप, तो वो चल जाएगा। काउंटर लिख दें, कुछ भी लिख दें, वो प्रोग्राम चलेगा आपका। बट कन्वेंशन है कि इसका नाम आई रखा जाता है। अच्छा, तो ये पहला पार्ट चला देगा वो। पहला पार्ट सिर्फ एक दफ़ा चलता है, ये दोबारा कभी भी नहीं चलता। अच्छा, उसके बाद होती है कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेकिंग में यहाँ पे इसको चाहिए होता है या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। जैसे इफ़ की ब्रैकेट को चाहिए होता है ना ट्रू फॉल्स, वैसे ही इसको यहाँ पे ट्रू फॉल्स चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन हम हाथ से कभी भी ट्रू फॉल्स नहीं रखते, ये हमने देखा है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक आदत कंडीशन लगा देते हैं। ये कंडीशन इवेल्यूएट होगी या तो ट्रू पे या तो फॉल्स पे। तो कौन मुझे बताएगा कि अभी ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इस वक्त आई में मौजूद है यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। अभी अभी ये वेरिएबल बना है, आई में मौजूद है ज़ीरो। तो ये जो साइन लगा हुआ है मेरा, कंपैरिजन ऑपरेटर जो लगा हुआ है, ये कह रहा है कि इस तरफ वाला छोटा है और इस तरफ वाला बड़ा है, और ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडीशन मेरी लिखी हुई है, ये क्या हुई, ट्रू हुई या फॉल्स हुई? कोई है आप में से जो बता पाए? वेल, अभी तक किसी ने नहीं बताया। ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ज़ीरो है और यहाँ पर 10 है, और कंपैरिजन ऑपरेटर भी मेरा यही कह रहा है कि इस तरफ वाला छोटा होगा और इस तरफ वाला। तो आई इज़ लेस देन 10 एंड दैट इज़ ट्रू। तो ये इवेल्यूएट होगा ट्रू पे। जैसे ही ये इवेल्यूएट होगा ट्रू पे, एक दफ़ा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ब्रैकेट है ना, ये इसकी बॉडी कहलाती है, फॉर लूप की बॉडी कहलाती है ये, ठीक है। तो फॉर लूप की बॉडी को एक बार एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अभी फॉर लूप की बॉडी में एक लाइन का कोड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा लाइनों का कोड भी हो सकता है, 2 लाइनों का, 5 लाइनों का, 5,000 लाइनों का कोड भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इस वक्त फिर सिर्फ एक लाइन है। अच्छा, इस एक लाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, एक वेरिएबल आई है जिसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने साथ में एक स्ट्रिंग भी लगा दिया। तो एक वेरिएबल आई यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अच्छा, आई में इस वक्त क्या मौजूद है, जैसा कि हमने देखा है कि आई का वेरिएबल थोड़ी देर पहले ही बना है, और उसमें बनने के बाद कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अभी तक नहीं हुई है उसके अंदर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आई में ज़ीरो मौजूद था। तो ये पहली दफ़ा मेरे लूप की बॉडी जब रन हुई है तो उसमें ज़ीरो प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, फॉर का लूप इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट सिर्फ एक दफ़ा चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेकिंग होगी, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये बॉडी चल पड़ेगी एक दफ़ा, ठीक है। और सबसे लास्ट में जाके आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि आई में एक प्लस कर दिया जाए। हम ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट हम पढ़ चुके हैं इससे पहले,
तो हमने क्या देखा कि आई में क्या हो जाएगा, एक अदद प्लस प्लस हो जाएगा, और इस पॉइंट पे आके मेरे लूप का एक आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगली आइट्रेशन होगी या नहीं होगी, अब वो डिसाइड होगा, वो हम देखते हैं कैसे डिसाइड होगा। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गया, आई में क्या हो चुका है, अब आई में अब वन हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक आइट्रेशन मेरे लूप की कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी आइट्रेशन में, जैसा कि ये तीन पार्ट है ना, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट अब दोबारा नहीं चलेगा, ये सिर्फ पहली दफ़ा चलता है, फर्स्ट टाइम। अब जो ये डायरेक्ट कंडीशन को चेक करेगा, अब ये अगली आइट्रेशन होगी या नहीं होगी ये कंडीशन चेक होने के बाद डिसाइड होगा। ठीक है, इस वक्त क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, आई में पहले ज़ीरो था, अब वन हो चुका है। ठीक है, लेकिन वन होने के बावजूद भी ये कंडीशन क्या है, अभी भी ट्रू है ये कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है कि इस लूप की जो सेकंड आइटरेशन है वो भी चलाई जाएगी। ठीक है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये बॉडी हमारी रन होगी, बॉडी में यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, अब की बार वन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ज़ीरो प्रिंट हो चुका था, अब की बार वन प्रिंट हो गया। उसके बाद एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, आई में टू हो जाएगा। यहाँ पे आके मेरी सेकंड आइटरेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आके मेरी सेकंड आइटरेशन कंप्लीट हो गई। ऐसा हो सकता है आपको ये बात एक दफ़ा में समझ में ना आए, तो आप उसको रिवाइंड करके दोबारा से भी देख सकते हैं, अगर आपको एक दफ़ा में समझ ना आए तो। क्यों, अच्छा ये मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, जिन लोगों को पहले से आता है वो अगर अगर बोर हो रहे हैं तो उनसे माजरा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी दूसरी आइटरेशन कंप्लीट हो गई, और इस वक्त आई में क्या हो चुका है, आई में इस वक्त टू हो चुका है। अच्छा, अब तीसरी आइटरेशन होगी या नहीं होगी, कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेकिंग में ये ट्रू है अभी भी, क्योंकि आई में टू मौजूद है। ठीक है जी, बॉडी को एक दफ़ा रन कर देंगे, क्या प्रिंट होगा, इस बार टू प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आई में प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, अब अगली आइटरेशन कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ठीक है, बॉडी को एक दफ़ा रन कर देंगे, इस बार क्या प्रिंट होगा, थ्री प्रिंट होगा। ठीक है, और आई में प्लस प्लस हो जाएगा, ये आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब अगली आइट्रेशन कंडीशन चेक होगी, कंडीशन इस वक्त आई में फोर हो चुका है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ठीक है, बॉडी को एक बार रन कर देंगे, इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, फोर प्रिंट हो जाएगा, अब की बार आई में प्लस प्लस कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, अगली आइट्रेशन अब दोबारा चेक होगी, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि आई में फाइव है, फाइव छोटा है, टेन बड़ा है, एक बार बॉडी को रन कर देंगे, इस बार क्या प्रिंट होगा, फाइव। ठीक है, और आई में प्लस प्लस, ये एक और आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। दोबारा कंडीशन चेक होगी, आई में इस वक्त सिक्स मौजूद है, सिक्स छोटा है, टेन बड़ा है, ये एक दफ़ा और चल जाएगा ये लूप। ठीक है, तो ये सिक्स हो गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ पे एट प्रिंट हो गया और आई में प्लस प्लस हुआ, तो अब क्या हो गया, ये नाइन हो गया। राइट, एट प्रिंट हुआ था, आइट्रेशन कंप्लीट हुई, नाइन हो गया। अब अगली आइट्रेशन के लिए कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर नाइन है, नाइन छोटा है, टेन बड़ा है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, बॉडी को एक दफ़ा रन कर देंगे, यहाँ पे नाइन प्रिंट हो गया। ठीक है, आई में प्लस प्लस हो गया, आई में प्लस प्लस होते ही क्या हो चुका है, आई में टेन हो चुका है, नाइन प्रिंट हुआ था, प्लस प्लस हुआ, टेन हो गया। अब अगली आइट्रेशन होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टेन है और यहाँ पे भी टेन है, क्या अब ये कंडीशन ट्रू है, क्या टेन लेस है टेन से, नो। अब ये कंडीशन इस पॉइंट पे आके हो गई फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के डायरेक्ट लाइन नंबर 20 और इससे नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आगे का कोड अगर कोई होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो लूप है वो 0 से लेके 9 तक का नंबर प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, तो आई होप कि ये आपको सही समझ में आया होगा। इसको एक दफ़ा और हम यहाँ पर आके चला कर देख लेते हैं, और रिफ़्रेश किया मैंने तो आप देखेंगे बिल्कुल इसी तरह से 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब कौन मुझे ये बताएगा, जो भी क्लास में लोग मौजूद हैं, कि मेरे पास अब 0 से लेके 9 तक का नंबर तो प्रिंट हो रहा है, अगर मुझे इस फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए इसी में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके मुझे 2 की टेबल प्रिंट करवानी है स्क्रीन पे, तो वो मैं कैसे करवा सकता हूँ, क्या ऐसा लिखूँ मैं कि 2 की टेबल प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे, क्योंकि टेबल में भी तो यही होता है ना। टेबल में क्या होता है एक्चुअली कि आप लिखते हैं मिसाल के तौर पर 2, उसके बाद x होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। ठीक है, अच्छा अब ये चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चल रहा है ये।
ठीक है, और ये चल रहा है फिर 2 to the 4, 4 to the 6, 8, 10, 10, तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हम इसको गौर से देखें तो असल में क्या चल रहा है ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा गौर से देखूं तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 भी लगा देते हैं आगे, 8, 9, तो ये असल में 0 से लेके पूरे 9 तक का नंबर यहाँ पे असल में प्रिंट हो रहा है, सही है। और 2 है वो तो स्टैटिक ही चल रहा है, जो ये x लिखा हुआ है छोटा सा ये भी स्टैटिक चल रहा है, ये नंबर 0 से लेके 9 तक चल रहा है और डिपेंडिंग ऑन इस नंबर के ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 6 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 है। अब कौन मुझे बताएगा कि इस कोड में क्या चेंजेस ऐसी करूँ मैं कि ये प्रिंट हो जाए, अभी जो सिर्फ बीच वाला प्रिंट होता है ना 0 से लेके 9, अब ये पूरा पूरा प्रिंट हो जाए। सर आप वो जो कंसोल लॉग के जो लाइन है लाइन प्रिंटिंग में उसको फॉर्मेट कर दे, आप स्ट्रिंग में लिख ले 2 फिर मल्टीप्लाई हो रहे आई के साथ, तो आई जो है वो चेंज होकर नजर आ जाए एंड आप दिखा दे रिजल्ट में कि आई मल्टीप्लाई 2 हो रहे एक फॉर्मेट के मुताबिक। बिल्कुल सही बताया है इन्होंने, ठीक है। हमने सबसे पहले लिखा 2 और x जो कि सीधा सीधा चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसके बाद आई लिख दिया जो कि 0, 1, 2, 3 ऐसे प्रिंट होगा, उसके बाद इक्वल्स लगा दिया जो कि पूरा सीधा चल रहा है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि आई में जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और यहाँ पे प्रिंट करवा दो, ठीक है जी। तो उसको देखते हैं आप कि ये क्या रिज़ल्ट इससे प्रोड्यूस होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरह का रिज़ल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। अच्छा अब कौन मुझे बताएगा कि ये जो इस वक्त 2 मल्टीप्लाई 0 है ना, तो आमतौर पर 0 से शुरू नहीं करते इसको ना, इसको करते हैं 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। और ये जो 9 तक जा रहा है इसको 9 तक नहीं लेके जाते, इसको हम लेके जाते हैं 10 तक आम तौर पे। तो क्या मैं ऐसा करूँ कि ये 0 हट जाए और यहाँ पे 10 आ जाए नीचे? सर आप फॉर लूप को चेंज करते हैं, शुरू कर ले 1 से और कंडीशन में लेस देन इक्वल 10 कर दे। इसको मैं शुरू कर लूँ 1 से और इसको मैं बोलूँ कि भाई लेस देन 11 यानी कि 10 तक चले फिर, ठीक है। तो उससे ये मेरा मसला हल हो जाएगा, 2 1 2 चलेगा और 2 10 तक जाएगा ये, क्योंकि मैंने क्या किया इसको शुरू पहले 0 से करवाता था लेकिन अब मैंने 1 से शुरू करवाया, और पहले मैं इसको रोकता था लेस देन 10 पे लेकिन अब मैं कह रहा हूँ लेस देन 11 यानी एक ज़्यादा मैंने उसको जाने दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है ये। अच्छा लेकिन ये काम मैं कभी भी नहीं करूँगा, ठीक है। मैं हमेशा इसको लूप को हमेशा मैं 0 बेस पे चलाऊँगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस 0 बेस बोलते हैं, एक होता है 1 बेस नंबर एक होता है 0 बेस नंबर, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो 1 बेस से ही शुरू हो सकती हैं, 0 बेस से शुरू नहीं हो सकती। जैसे कि अभी हमारा लूप है ना 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ चीज़ें 0 से स्टार्ट होती हैं कि भाई कितने लोग प्रेजेंट हैं, तो वो 0 से स्टार्ट होता है कि भाई 0 है बन अभी कोई प्रेजेंट नहीं है तो मतलब 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो लेकिन कुछ चीज़ें जो रियलिस्टिक हैं वो 1 से ही शुरू हो सकती हैं, वो 0 से शुरू नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने कितनी रोटियां खाई हैं, तो वो वैसे तो 0 हो सकती है कि कोई रोटी नहीं खाई, लेकिन जो रियलिस्टिक नंबर है ना कि जैसे ट्रांजेक्शन कितने रुपए की हुई है, तो ट्रांजेक्शन 0 रुपए की नहीं हो सकती, 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कोई वैल्यू होगी तो ट्रांजेक्शन होगी। जैसे आपने कोई दुकान से सामान लिया, ठीक है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने 0 आलू लिए, 0 आलू नहीं होंगे ना, कुछ आलू एग्जिस्ट करेंगे जब ही आप लोगे। अगर वो 0 आलू हैं इसका मतलब है कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई है, आपने कुछ लिया ही नहीं है। तो हम हमेशा क्या करते हैं यहाँ पे ना, जब लूप चलाते हैं तो हम इसको 0 बेस पे चलाते हैं। अच्छा ये हम क्यों चलाते हैं 0 बेस पे, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा जब हम एरे पढ़ेंगे, जब आपको ये पता चलेगा। अच्छा वो चक्कर असल में ये है कि फॉर लूप बनाए गए हैं एरे के लिए, ठीक है, और एरे को बनाया गया है फॉर लूप के लिए। अब जब एरे हम जब पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से रियलाइज़ होगा कि एरे जो है ना वो 0 बेस होते हैं, वो 0 से शुरू होते हैं, वो 1 से शुरू नहीं होते। तो क्योंकि फॉर लूप और एरे एक दूसरे के लिए बने हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि दोनों एक दूसरे के बगैर किसी काम के नहीं, मतलब मेरे पास फॉर लूप हो और एरे ना हो,
तो दोनों ही किसी काम के नहीं है। और अगर मेरे पास एरे हो और फॉर लूप ना हो, यानी उस पर आइटरेट ना कर पाऊँ मैं, तो फिर भी दोनों किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। इसी वजह से हमें शुरू से ये आदत डालनी है। अगर मैं इसको 1 तक कर दूँ कोई मसला नहीं है, आपने देखा कोड अभी चल गया था, बिल्कुल सही चला था कोड, लेकिन इसको मुझे आदत ये डालनी है कि हमेशा मैं फॉर लूप को 0 से शुरू करूँ और 0 बेस पे चलाऊँ। ठीक है, यानी जैसे अगर 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है तो 10 दफ़ा प्रिंट करवाने का मतलब है कि 0 से लेके 9 तक। ठीक है, ये मुझे करना है, इसकी मुझे आदत डालनी है। ठीक है, अच्छा अब मैं करूँगा क्या, मैं अगर सर मुझे, आप हाँ मैंने बताया आप इससे यहाँ पे ऐसे कर लेते ब्रैकेट के साथ डाल दे आई प्लस वन और हाँ जीरो प्लस वन हो जाए। एग्जैक्टली। अच्छा तो इसके लिए ना मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करूँगा। यहाँ पे छेड़छाड़ करने से देखो मसला क्या होता है कि हमारी ना आदत ख़राब हो जाती है। कभी हम 1 से शुरू करते हैं, कभी हम 0 से शुरू करते हैं, फिर हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि भाई यार मैंने किया क्या था, 1 से किया था, तो बार बार ऊपर जाके देखना पड़ता है। तो हम एक स्टैंडर्ड बना लें कि हम इसको हमेशा 0 से ही शुरू करेंगे, और सब लोग यही करते हैं। आप कभी भी फॉर लूप देखेंगे वो 0 से शुरू हुआ हुआ होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे भी यूज़ करना है ना, वहाँ +1 करके यूज़ कर लें। ठीक है, जहाँ पे भी यूज़ करना है वहाँ +1 करके यूज़ करें। ठीक है, और उससे भी बेहतर तरीका एक ये हो सकता है कि आप यहाँ पे बनाएंगे एक वेरिएबल, और आप वेरिएबल में बताएंगे कि नम इक्वल टू आई +1। ठीक है, तो अंदर आप एक टेम्प्रोरी वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें आप आई में 1+ करवा लेते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये जो नम था ये जो भी आई में होगा उससे +1 इस नम के अंदर मौजूद होगा, तो आप उस नम को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्लीनर वे है थोड़ा। अभी तो खैर हमारे पास लाइन ही एक ही लाइन का कोड है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमारे पास एक लाइन का कोड नहीं होगा हमेशा। हमारे पास 4-5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन या 50 लाइन का कोड हो सकता है इस फॉर लूप के अंदर। तो अगर शुरू में ही मैं बना लूँ नम एक वेरिएबल या कोई ऐसी, मैं इसको या 1 बेस लिख दूँ, ठीक है, मैं लिखूँ 1 बेस इंडेक्स। ठीक है, 1 बेस इंडेक्स कर दूँ मैं, कोई भी इसका मैं नाम रख सकता हूँ जो रेलिवेंट हो, तो और उसमें +1 करवा दूँ मैं, ताकि मुझे कभी भी इसको 1 से शुरू ना करना पड़े। क्योंकि इसको मैं 1 से शुरू करूँगा मेरी आदत ख़राब होगी और फिर बाद में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी। और क्योंकि ये बने फॉर लूप एरे के लिए हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसको 0 से ही शुरू करवाना होता है, क्योंकि अंदर एरे पे ऑपरेट कर रहे होते हैं आप। ऑपरेट जब एरे पे कर रहे होते हैं तो एरे 0 से शुरू होता है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। आम तौर पे ये जो मैंने ऐसे किया हुआ है ना, इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ज़्यादातर क्या होता है, फॉर लूप के अंदर आप एरे के साथ डील कर रहे होते हैं। अब एरे अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, हम बहुत जल्दी एरे को पढ़ेंगे, बहुत जल्दी एरे को हम डिस्कवर करेंगे। अच्छा, तो आज का आपका असाइनमेंट ये है। ठीक है, असाइनमेंट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कि आपने जो है ना एक फॉर्म बनाना है, यूज़र से इनपुट लेना है, प्रिंट आ टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, असाइनमेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, क्विक फिक्स असाइनमेंट। अच्छा एन भी आता है बीच में, असाइनमेंट, वही गुड यार। अच्छा, प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेना है कि विच टेबल और हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, अभी तो मैंने इसको 10 दफ़ा प्रिंट करवाया ना, फिक्स 10 दफ़ा प्रिंट करवाया है, लेकिन यहाँ पे भी तो मैं एक वेरिएबल लिख सकता हूँ ना। यूज़र से एक वेरिएबल ले लूँ मैं और वो मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो यूज़र बोलेगा 5 की टेबल प्रिंट करो और प्रिंट करो 25 दफ़ा। तो यहाँ पे अगर 25 लिखा हुआ होगा तो वो लूप 25 दफ़ा चलेगा। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया हो किसी को तो बता देगी। यूज़र से इनपुट हमें 2 चीज़ें लेनी है कि कौन सा टेबल और कितनी बार। अच्छा, जो हाउ मैनी टाइम्स जो है ना, उसमें पहले से इनपुट आ रहा हो डिफ़ॉल्ट 10। जो हाउ मैनी टाइम्स जब आप पूछ रहे होंगे यूज़र से कि कितनी बार प्रिंट करनी है टेबल, उसमें डिफ़ॉल्ट पे 10 पहले से लिखा हुआ आ रहा हो। ठीक है, अच्छा ये डिफ़ॉल्ट पे 10 पहले से कैसे लिखा हुआ था ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आता है। अगर मैं कोई इनपुट बना रहा हूँ ना और उसमें वैल्यू करके मैं कोई भी बात यहाँ पर लिख दूँ, जैसे वैल्यू करके मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, तो जब आप इसको चलाएंगे ना तो यहाँ पर
जो पहले से 10 देखो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस तरह से पहले से 10 लिखा हुआ दिखाना है, कहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, किस में, हाउ मैनी टाइम्स में, ठीक है। विच टेबल और हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है। यूज़र से हमें दो इनपुट लेना है, एक क्या कौन सी टेबल और कितनी दफ़ा, और कितनी दफ़ा जो पूछेंगे उसमें डिफ़ॉल्ट पे 10 लिखा होना चाहिए, ठीक है। चेक इनवैलिड इनपुट्स, इनवैलिड इनपुट का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा बोले कि भाई 0 दफ़ा प्रिंट करना है, तो हम उसको एरर बता देंगे, हम बोलेंगे नहीं भाई 0 दफ़ा प्रिंट नहीं हो सकता, ठीक है। इनवैलिड इनपुट जहाँ जहाँ पे आपको लगता है ना कि, क्योंकि मैं हर तरह की वैल्यूज़ उसमें डाल के देखूँगा और चेक करूँगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे टेबल, अब कौन सी टेबल लिखनी है, तो टेब इस वाले में सिर्फ नंबर ही आ सकता है ना, नंबर ही आना चाहिए, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको, इसमें मैं जो टाइप करके देखूँगा, कार बस सब लिख के देखूँगा मैं, तो किसी भी किस्म का इनवैलिड इनपुट अगर बंदा देता है तो वो उसको बता दे कि नहीं यार आप ये नहीं दे सकते, सिर्फ नंबर ही पे वो अलाउ करे कि जो है ना वो चलाने दे उसको, ठीक है। इसी तरीके से हाउ मैनी टाइम्स जो है उसमें पॉजिटिव नंबर ही आ सकता है, आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे आपने बोला ना टेबल जो है वो किसकी प्रिंट करो, आप -3 की टेबल प्रिंट करो, ठीक है। -3 की टेबल हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है, ठीक है, लेकिन कितनी दफ़ा प्रिंट करो इसमें -3 नहीं आ सकता, ठीक है। इसमें -3 नहीं आ सकता, इसमें आप बोलेंगे यार 3 दफ़ा प्रिंट कर दो, या 2 दफ़ा प्रिंट कर दो, या 4 दफ़ा प्रिंट कर दो, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। 10 दफ़ा प्रिंट कर दो, आप ये नहीं बोल सकते कि -3 दफ़ा प्रिंट कर दो, या -10 दफ़ा प्रिंट करो, ये नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इनवैलिड इनपुट में यानी काउंट हो रहा है, तो हर तरह के इनवैलिड इनपुट को आपने चेक करना है, ठीक है। रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे होना चाहिए आपका, ठीक है। रिजल्ट आपका कंसोल पे नहीं दिखा रहा हूँ मुझे कोई, रिजल्ट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है आपने, और यूज़र से इनपुट लेना है थ्रू फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के ज़रिए इनपुट लेना है, कोई मुझे ये ना करता हुआ है कि भाई पहले से लिखा हुआ है, वेरिएबल में लिखा हुआ है, मतलब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि एक ऐसा असाइनमेंट हो जो प्रेजेंटेबल हो, कल को आप किसी को दिखा भी सकें, ठीक है। क्योंकि आम लोगों के लिए जो वेबसाइट होती है या वेब एप्लीकेशन होती है, वो क्या होती है कि भाई एक लिंक होता है, क्लिक करते हैं खुलता है, सामने बन के आता है, टाइप करते हैं एंटर करते हैं, कुछ सामने रिजल्ट शो होता है, तो वो चीज़ चाहिए हमें, ठीक है। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए कि यार इंटरनली कुछ हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, सिर्फ वो टेक्निकल लोग हैं जो उनको समझ आ रहा है, इस तरह का कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए प्रेजेंटेबल चीज़, ताकि कल को वो चीज़ आप किसी को दिखा सकें, किसी के सामने आप प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो अच्छा, अब इससे मुताल्लिक अगर किसी का कोई सवाल है तो ज़रा बता दें। ये फॉर लूप हमने आज पढ़ा है, इसका आप असाइनमेंट बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। और फिर आगे हमारा क्या है, मैप है, मैप जो है ना इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है कह लें आप उसको। फॉर लूप हमने आज कवर कर लिया, मैप हमारा रह गया, ठीक है। और फॉर लूप के बाद हम एरे पढ़ेंगे पहले एक्चुअली, ठीक है, उसके बाद हम मैप पे मूव करेंगे। तो मेरा ख्याल है आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इतना ही आपसे डाइजेस्ट हो जाए तो मेरा ख्याल है काफ़ी है, क्योंकि असाइनमेंट्स मुझे पिछले भी ना असाइनमेंट्स मुझे प्रॉपरली मिल रहे नहीं है। अच्छा, ये मैं, आपने नोट किया होगा पिछली कुछ क्लासेस में मैंने अपना पेस थोड़ा कम किया, अब मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, मैं थोड़ा मैंने कम कम पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका रीज़न यही है कि मुझे जो आपसे फीडबैक मिल रहा है ना, कि देखो फीडबैक लेने के मेरे पास दो ही तरीके होते हैं, कि या तो आप मुझसे जो है ना, आप सवालात जो पूछ रहे होते हैं आप उससे मुझे फीडबैक मिलता है कि यार आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं, तो मोस्टली आप में से ना कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा होता, मैंने ये नोट किया। बहुत कम एक दो लोग हैं, वो भी शाद और नादर कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो क्वेश्चन तो ज़ाहिर है जेनवन होता है, लेकिन उससे मुझे बहुत सारी बातों का आइडिया होता है। दूसरी चीज़, मेरे पास असाइनमेंट्स हैं जो मैं आपको टास्क देता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ, जब आप वो बनाते हैं उसमें आप स्टक कहाँ पे स्टक हो रहे हैं, क्या चीज़ आपको समझ आ रही है क्या, तो वहाँ से मुझे फीडबैक मिलता है। तो मुझे फीडबैक, मैं ये कहूँगा कि ना के बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद, पता नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा रहा था इस वजह से आपसे हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा कम कम पढ़ा रहा हूँ अपना, ठीक है, और थोड़ा मज़ीद सिंपलर वे में पढ़ा रहा हूँ, पहले से भी ज़्यादा सिंपल वे में। तो ये कोड मैं पुश कर देता हूँ, ये कोड पुश हो गया,
और किसी का अगर कोई सवाल है अभी फ़िलहाल जो हमने पढ़ा है उससे मुतालिक तो पूछ लें, अदरवाइज़ फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी ओके दोस्त, चलें फिर मुलाकात रहेगी आपसे, अल्लाह हाफिज़।